बीबी का एनालाइजर है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। और ये डिस्प्ले है, हम यहाँ पर एनओ और एनओ टू का वैल्यू मेजर करते हैं। इसके यूज है पीपीएम में है, ये भी पीपीएम में है। अभी हम आपको बता सकते हैं हमारा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। बताते हैं ये हमारा क्या है, सोलेनाइड है, इसको हम सिंपल सोलेनाइड बोलते हैं। ये हमारा जीरो गैस के लिए सोलेनाइड है, और ये हमारा स्पैन गैस के लिए, आप देख सकते हैं स्पैन मैंने लिखा हूँ। और ये हमारा सैंपल पंप है, ये कंटिन्यूस घूमता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सैंपल को खींचता है। हमारा जो सैंपल आता है, ये हमारा सैंपल ट्यूब है, ये सैंपल पोर्ट है जहाँ पर हमारा सैंपल ट्यूब कनेक्टेड होती है। ये हमारा हीटर कॉइल है, इसका काम क्या है, ये हमारा क्या है, अगर सैंपल पे कोई मॉइस्चर होगा तो उस मॉइस्चर को, ये कोई मॉइस्चर होगा हमारे एनालाइजर पे आके एनालाइजर खराब हो जाएगा, तो उस मॉइस्चर को हमारा ये हीटिंग के वजह से हमारा मॉइस्चर बन के भाव बन के ख़त्म हो जाता है, मॉइस्चर एकदम फ्री हो जाता है। ये हमारा एक थर्मोकपल लगा है जो हमारा टेम्परेचर दिखाता है कि हीटिंग कॉइल का कितना टेम्परेचर है। अभी हमारा देख सकते हैं, ये हमारा पीएलसी लगा हुआ है, ये हमारा है, ये हमारा फिल्टर है जो डस्ट फिल्टर है। उसके बाद ये हमारा दिखाता है कितना प्रेशर है, और ये हमारा इंडिकेटर है जो प्रो हो रहा है, ये पीएलसी है, ये एमसीबी लगी सबको पावर गया है। ये हमारा एनओ टू है जिससे हम जीरो कैल करते हैं, सिलेंडर गैस है। अभी हम जीरो कैल करेंगे, तो हमको जीरो कैल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले मेनू जाना, ये हमारा मेनू है, यहाँ प्रेस करेंगे, देखिए कैलकुलेट लिखा है, कैलकुलेट जाने के लिए हम इंटर करेंगे, कैसे जाएगा तो कैल दे रहा है मैनुअल और ऑटो, हमको मैनुअल सिलेक्ट करना है क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं, ऑटो में नहीं कर रहे हैं, तो मैनुअल में हम इंटर कर देंगे। अभी हमारा दे दिया एनओ, हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे एनओ चाहे एनओ टू, हम यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देखिए एनओ टू में आ गए, ये गए एनओ में आ गए, तो पहले एनओ करेंगे, हम एनओ पे जाएंगे, यहाँ इंटर करेंगे, ये पूछ रहा है कुछ जीरो करना है कि स्पैन करना है, अभी हमको जीरो करना है, तो जीरो पे हम जाके यहाँ इंटर कर देंगे, ये दिखा रहा है टेस्ट गैस जीरो पीपीएम, अभी हम इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे हमारा ये जीरो गैस स्टार्ट हो जाएगा, और ये हम यहाँ पर हम अपना फ्लो सेट कर देंगे 60, आप देख सकते हैं ये हमने 60 सेट कर दिया है, ये फ्लो है एलपीएम है लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट है हमारा, आप देख सकते हैं। और अभी हम ये जीरो गैस ये आप वेट करेंगे वैल्यू स्टेबल होने के लिए, आप देख सकते हैं लगभग वैल्यू स्टेबल ही है, हम इंटरप्रेट करेंगे, जैसे इंटरप्रेशन ये दे रहा है कैलकुलेशन इज रनिंग प्लीज वेट, हम वेट करेंगे, देख लीजिए ये कह रहा है जीरो कैल फिनिश, अच्छा कैलकुलेशन इंटर दबाना है, अगर आपको नहीं करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन सही हुआ है, जीरो हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इंटरप्रेस कर देंगे, ये हम इंटरप्रेस कर दिए, ये हमारा सेव हो गया। अभी हम इसी प्रकार एनओ टू करेंगे, हम फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर इंटर करेंगे हम, आप देख सकते हैं फिर जीरो करना है, जीरो पे हम ऐसे कर देंगे, वेट करेंगे हम, अभी हमारा वैल्यू स्टोर होने के लिए हम वेट करेंगे, तो वैल्यू स्टेबल है, हम इंटर कर देंगे, अभी हम इसको जीरो कैल फिनिश सेट कर लेंगे, ये अभी हम इंटर करके बैक हो जाएंगे, और ये देखिए अभी हमारा वैल्यू जीरो आ गया,